400 पीपल यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये आंदोलन अभी होकर 62 डेज अभी हो गए। वो टैंक बनता है ना, टैंक मिल्क का टैंक, अच्छा, ओवीएची बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, कंपो ब्लॉक, वो बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी होता है, अच्छा, टाटा केमिकल, बायोकॉन, ग्रासिम, रिलायंस। तो गांधी जी हमारे आदर्श है, उनका गांधी जी का हमने फोटो लगाकर यहाँ पर एकदम शांत, मतलब शांत की स्थिति से बैठ कर 400 लोगों ने एकदम शांत की स्थिति में आंदोलन शुरू किया है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और परमानेंट बेसिस ऐसे दो डिविडेंड के ऊपर काम करते लोग। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग हैं वो मतलब 20-25 साल ऐसे तक काम कर रहे हैं। तो अभी तक कंपनी ने उनके बारे में कुछ सोचा नहीं, उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड किया नहीं, कुछ नहीं। और जो डिफरेंट है पेमेंट का, वो बहुत ही अलग तरफ से पे किया है। तो कंपनी एक पेमेंट अमाउंट पे करती है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें बीच में जो उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो कमीशन है वो निकाल के पे करते हैं। उसमें जो दो तफावत है, डिफरेंट जो है, बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे वेतन के हिसाब में सबका कैटेगरी वाइज वेतन है, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू में भी कैटेगरी वाइज में वेतन है। उसमें एक ग्रेड उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, ग्रेड में सी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, स्किल्ड एक्सपर्ट, उसका सीनियर एक्सपर्ट, अच्छा, सबसे लास्ट में सीनियर एक्सपर्ट। अच्छा, सीनियर एक्सपर्ट में जो पेमेंट देते वो लोग 12,000 देते, 12,000 और जो एक्सपर्ट में देते वो 9,800 देते, और जो आइसक्रीम में देते वो 8,500 रुपये देते हैं, और बाकी के हेल्पर लोग सी ग्रेड ए ग्रेड जो उनको 5-6,000 रुपये। अगर मैं परमानेंट होता था तो यहाँ पे 28-30,000 तक। सर कैसा है, टोटली कंपनी में पहले 800 लोग काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अच्छा, तो कंपनी उनको कम करते थे 400 लोग ला गए, अच्छा। तो 400 लोगों ने सोचा कि अगर वापस लोग कम करते हैं, 400 का अगर 200 हो जाता है, तो वो जो 200 लोग जाएंगे तो 200 में हमारा नंबर लगेगा, इस हिसाब से नौकरी है नहीं है, मतलब उसका गारंटी नहीं था। इस लोगों ने सब मिलकर वो यूनियन बना दिया, मतलब यानी कि अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो हम उसके लिए रेडी अपोजिशन से। सिर्फ पेमेंट के लिए हम लोग ये परमानेंट नहीं चाहते, अच्छा। हम लोग यहाँ फैसिलिटी भी कुछ नहीं है, जैसे कि लीव फैसिलिटी जो ईयरली प्रोवाइड करते है कंपनी, वो फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलता है, अच्छा। बोनस फैसिलिटी वो भी नहीं मिलता है, अच्छा। और कैंटीन, बस, मेडिकल। सर टोटली 230 लोग जो है परमानेंट लोग काम कर रहे हैं, अच्छा। उसमें अगर अलग से वापस 60 लोग है वो भी अलग से काम करते, वो भी परमानेंट है, तो उनका कैटेगरी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो लोग है वो 80% काम कंपनी का वो खुद करते थे। तो ये परमानेंट के मजदूर ना, तो आप तो साथ साथ काम किए दिन ब दिन, वही काम है, तो लेकिन ये लोग आपसे ज्यादा अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ निकलते हैं, बात नहीं करते हैं, अच्छा। तो ये स्थिति काफी मुश्किल है, ये स्थिति क्यों है, किस वजह से? वो खुद कर जाए ना, वो खुद का ही सोचते हैं वो लोग, अच्छा। हमारा नहीं सोच रहे वो लोग, अच्छा। आप भविष्य में क्या क्या करेंगे इस आंदोलन थोड़ा सा वो आगे बढ़ेंगे के लिए? सर यहाँ पर बहुत लोगों ने हमको सपोर्ट किया है, तो कम से कम उसमें से 200 लोगों ने हमको, मतलब जो बड़ा बड़ा लीडर है उन्होंने हमको सपोर्ट किया है, और बहुत सारे कंपनियों ने हमको सपोर्ट किया है। सर कैसे अगर कल जो होने वाला है हम वो बता नहीं सकते, तो कैसे अभी जो जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम हमारा काम चालू है। अभी हमारा फैसला कोर्ट में चालू है, तो कंपनी के साथ जो चर्चा है वो भी चालू है, प्लस जो मिनिस्ट्री के लेवल पर है वहाँ पर भी चर्चा चालू है। सबसे मुश्किल बात तो अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, दो महीना हो गया अभी, और कंपनी कुछ भी रिप्लाई भी नहीं दे रही है अभी तक, सबसे मुश्किल बात यही है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग एकजुट में अभी तक भी है, हम लोग एक यूनिटी में अभी तक रह रहे, एक दोस्त के रूप में हम लोग आसपास में अपना आपस में अपना दुख वगैरह बांटते हैं। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है कि जो गरीब है वो गरीब ही रह रहे हैं, और जो श्रीमंत है वो बहुत अमीर हो रहा है, तो हमारा डिमांड इतना है कि हमको जो लोग है, तो हमने इतना साल ये कंपनी के लिए दिया है, हमारा पूरा मतलब खून पसीने यहाँ पर हम एक एक किया है, तो कंपनी ने हमारे बारे में सोचकर हमको सिर्फ इतना प्रमाण करके हमको जो है फैसिलिटी, अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, तो फैसिलिटी अगर कंपनी हमको प्रोवाइड करता है तो हमारा भी बच्चा सब मतलब खुशी से रह पाएगा।